हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ पार्ट और द फोर्थ सेशन ऑफ वैदिक मैथ्स। लास्ट सेशन में मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर समझाया था। अगर मेरा 2 डिजिट नंबर है तो उसको मैं बहुत जल्दी किस तरह से स्क्वायर निकाल सकता हूँ। विद इन 5 सेकेंड हमने स्क्वायर निकालना सीखा था। अब 3 डिजिट में भी हम कुछ इस तरह से ही सीखते हैं। थ्री डिजिट के लिए मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि हमें ना, जैसे उसमें हमें मैंने बेस बताया था, बेस क्या थे, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, 60 था, 70, इस तरह से बेस थे। बट इन केस ऑफ 3 डिजिट नंबर जो हम बेस लेंगे वो होंगे हमारे 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन। इस तरह से ये मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बेस हो जाएंगे। तो आई थिंक बेस निकालना तो तुम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब सीधे एग्जाम्पल की तरफ ही चलता हूँ मैं। और 3 डिजिट नंबर को भी मैं 2 मेथड से कराऊंगा। 2 मेथड नहीं है, वो सिर्फ एक ही मेथड है, बस उसको दिखाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ, 105 का स्क्वायर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत धीरे धीरे समझेंगे, और इसके कम से कम मैं 8-10 एग्जाम्पल कराऊंगा 3 डिजिट के, जिससे तो सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, 105 का स्क्वायर है। पहले हम एक मेथड से देखेंगे, फिर दूसरे मेथड से देखेंगे। ठीक है, 105 किसके पास है, 100 के पास है। 105 किसके पास है, 100 के पास है। तो 105, ठीक है, +5 -5। ठीक है, अगर 105 में से मैं 100 माइनस करूंगा तो 5, 105 में से जितना माइनस किए, मतलब मेरे को 105 से 100 पर पहुंचना है। बेसिकली 105 से 100 पर पहुंचना है, तो कितना, -5 +5। ठीक है, जितना डिफरेंस 105 से 5 तक आए तो 5 का डिफरेंस उतना ही मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सिंपली हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मैं 105 +5 करता हूँ तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, 105 +5 करता हूँ तो ये हो जाएगा 110, और 105 -5 करता हूँ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, सिंपल सी बात आ गई समझ में। पहले क्वेश्चन में हम टाइम लेंगे, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। 105 का स्क्वायर मुझे करना है, 105 के स्क्वायर के पास बेस कौन सा है, मेरा 100 है। 100 अगर मेरा बेस है तो यहाँ पर 105 में से 5 माइनस करता हूँ तो जितना आता है उसको +5 -5 हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 105 +5 कितना हो जाएगा, 110 हो गया, और 105 -5 मेरा 100 हो जाएगा। अब इसको हमेशा डिवाइड बाई 100 करना होता है। जैसे मैंने स्क्वायरिंग में 2 डिजिट वाले में मैंने एक मेथड बताया था, उसमें मैंने बताया था डिवाइड बाई 10 करना होता है, इसी तरह से इसमें डिवाइड बाई 100 करना, चाहे कोई केस हो। चाहे कोई केस का मतलब समझे, कोई भी केस हो, चाहे मेरे को 800, 700, 600, 500, 520, 30, किसी का भी स्क्वायर मेरे को निकालना हो, डिवाइड बाई 100। यहाँ पर ये 100 हमेशा सेम रहेगा, इस बात को ध्यान में रख लो बस। और ये 5 5 कितना हो गया, 25। 5 5 कितना हो गया, 25। अब ये 100 से ये 100 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 11025। ठीक है, 110 इधर से और 25 इधर से, आई थिंक सब लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, ये मेरा पहला मेथड है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को 2 ही टाइप से कराऊंगा यहाँ पर। दूसरा देखते हैं, अब दूसरा हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि 105, ये वाला मेथड मैंने 2 डिजिट में भी लिया था। ठीक है, उसको रिमाइंड करेंगे फिर से। 105 से मेरे को पहुंचना है कहां पर, 100 पर। तो 105 से मैं 100 पर पहुंचा तो कितने कदम पीछे गया, 5 कदम पीछे गया। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेरा मेथड है, इसका ध्यान रखना, ये कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें। 105 से 5 स्टेप पीछे गया तो यहाँ पर मैं 100 पर पहुंच गया, 5 स्टेप पीछे गया। अब 5 स्टेप पीछे गया हूं तो मैं 5 स्टेप ही आगे आऊंगा, तो ये मेरा 110 हो गया। ठीक है, 5 स्टेप ही आगे आऊंगा। अब इस 100 का 110 में कर देते हैं मल्टीप्लाई। 100 का अगर मैं 110 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 1 कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 सेकेंड, 5 कदम ही आगे गया, पीछे गया, 5 कदम ही यहाँ पर आगे गया। और ये 5 5 कितना हो गया, 25। इन दोनों का मैंने प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 11025। कोई टाइम लगा ही नहीं। ठीक है, दोनों ही मेथड से हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरे को इन दोनों मेथड को ही समझाना है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
एक और एग्जांपल के तौर पर क्या ले लेते हैं, चलो 108 का स्क्वायर ले लेते हैं, 105 के जस्ट पास में 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, इसको भी दोनों मेथड से करना है, 108 का स्क्वायर, 108 के पास में क्या, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस ये नहीं है 110, 120 लेना चाहे तो हम उन्हें भी बेस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है 110, 120 को, 100 इनको बेस नहीं ले सकते, हम किसी को भी बेस मान के कर सकते हैं, बट हम कैलकुलेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, हम ऐसा लेना बेस जिससे हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो, है ना, बेस लेना आ गया तो यहाँ 999 तक का स्क्वायर कुछ है ही नहीं, बस बेस लेना आ जाए, ठीक है, 108 का अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है तो 108 के जस्ट पास में क्या होगा, 110 होगा, वो 100 होगा, तो 108 के पास में क्या होगा, 100, ठीक है, अब मेरे को किस तरह से लिखना है 108, ठीक है, 108 में से अगर मैं 100 को माइनस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार तो प्लस का 8 और माइनस का 8, ठीक है, इसी तरह से ही तो बताया था इस वाले में, देखो ध्यान से, 105 फाइव 100 के पास जाना है तो प्लस 5 माइनस 5 इस तरह से ही तो लिखेंगे, तो सेम इसी तरह से प्लस 8 माइनस 8, ठीक है, अब एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये 8 8 जा 64 लिखा मैंने यहाँ पर, 108 और 8 अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये 116 हो जाएंगे, और 108 माइनस 8 करता हूँ तो ये बिल्कुल 100 हो जाएगा, और डिवाइड मेरे को हमेशा 100 से ही करना है, डिवाइड मेरे को हमेशा किससे करना है, 100 से करना है, ठीक है, 100 से 100 कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा, 1166, टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा, टाइम तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, एक और बिल्कुल इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं, 108 है तो 108 है तो 108 के पास में क्या है, 100, 150 इन्हीं को बेस मान के चलेंगे, 108 के पास में एक तरह से 100 ही है, तो 108 से 100 तक पहुंचने के लिए 100 तक पहुंचा मैं, 108 से मैं कहां तक पहुंच गया, 100 तक, 100 तक पहुंचने के लिए मैं 8 कदम पीछे चला, इस 8 स्टेप्स में पीछे चला, तो जितना 8 स्टेप्स में पीछे चला उतने ही 8 स्टेप्स में आ गया 160, अब कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 116 00 और 8 8 जा कितना होता है 64, तो 64 प्लस कर देना इसमें, 11664, टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा, कैलकुलेशन कब तक करते रहोगे, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका हो गया 105 हो गया, 108 हो गया, चलो अब 200 वाला एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 200 का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 200 का क्या ले, 208 ही ले लेते हैं, ठीक है, 208 का मेरे को, 208 का, 208 का मेरे को स्क्वायर करना है, तो 208 किसके पास में, 200 के पास में, आप लोग कहोगे सर ठीक है 200 के पास में, मैं कहूंगा 200 के पास में है तो एक काम करते हैं 200 यहाँ पर लिखते हैं, अब 208 208 क्या आ जाएगा, 200 तक जाने के लिए प्लस 8 और प्लस 8 किया तो माइनस 8, ठीक है, अब 208 और प्लस 8 करूंगा तो 216 और 208 माइनस 8 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते ही थे हम, और डिवाइड बाई हमेशा 100 ही होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा यहाँ 200 हो जाए, बेस 200 नहीं, ठीक है, 100 से लेकर 999 तक के लिए जो डिवाइड होगा वो 100 से ही होगा, और 8 8 जा कितना हो गया 64, 00 00 2 का मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 और 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 3 2 6 4 आंसर कितना आ गया, ठीक है यही आ गया, टाइम लगा बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और जो अपना मेथड है उससे और देख लेते हैं, 208 पास में क्या है, 200 है तो 200 तक हम पहुंचे, कितने कदम पीछे गए, 8 8 कदम, तो कितने कदम आगे जाएंगे, 8 कदम, तो 216, 216 का 200 में मल्टीप्लाई, तो 2 में मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 2 00 और 8 8 जा 64 प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 2 6 4, ये मेथड तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, ये मेथड कहीं भी नहीं दिखेगा ये वाला, ठीक है, एक और ले लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा, अभी मैंने कुछ एग्जांपल इस तरह से ले रहा हूँ जैसे जो 200 300 इनके पास में, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा दूर चलना शुरू होंगे, फिर हम एकदम फिर कुछ भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आई थिंक
यहां तक मैं तुम लोगों को समझ समझा पाया होगा, बहुत ढंग से समझा पाया होगा, ठीक है। और भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। 305 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, 305 का स्क्वायर अब तुम लोग भी मेरे साथ में निकालना, ठीक है। 305 के पास में क्या है, 300। इतने क्वेश्चन में क्यों करा रहा हूँ, बस प्रैक्टिस हो जाए इसलिए करा रहा हूँ। 300, 300 के 5 में क्या है, 300। तो 305 एक बार प्लस 5 एक बार माइनस 5, तो 305 प्लस 5 कितना हो गया, 310 हो गया, और 305 माइनस 5 कितना हो गया, 300 हो गया। डिवाइड हमेशा 100 से ही होगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 0 0 0 0, 3 0 0 0, 3 1 3, 3 3 9, 9 3 0 2 5, ठीक है। ये आंसर आ गया, और कोई डाउट की बात है ही नहीं। अरे डाउट हो तो चेक कर लेना कैलकुलेटर में, ठीक है। 305 का स्क्वायर फिर से अपने वाले मेथड से पहुंचते हैं, 300 के 5 के पास में क्या है, 300 है, ठीक है। कितने कदम पीछे गए हैं, 5 कदम पीछे गए हैं, कितने, 5। तो उतने ही हम आगे चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। 310 का अगर मैं 310 का 300 में करता हूँ, मल्टीप्लाई करने में तो टाइम ही नहीं लगेगा, 3 से करना है बस, और बाकी 2 0 पीछे लगा देने, तो कितना, 31 3 93, और पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 0, और 5 5 25 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 93 0 25। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं एक और, चलो इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत हो गए, एक कोई ढंग का एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, इससे थोड़ा सा बेटर। क्या ले, रैंडम नंबर कोई भी, क्या दिमाग में आ रहा है, चलो मेरे दिमाग में 114 आ गया। 114 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, अगेन वही वाली बात, ठीक है। 114 का स्क्वायर, तो 114 के पास में क्या है, 100 है। 114 के पास में क्या है, 100। बेस तो हम 100 150 ही लेंगे ना, तो 114 के पास में क्या है, 114, एक बार तो प्लस का 14 और एक बार माइनस का 14, तो 114 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 128, और 114 माइनस 14 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनटू 100। डिवाइड हमेशा किससे होगा, 100 से ही होगा, ठीक है। इधर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि इधर ये जो है ना, ये इसके जो राइट हैंड साइड ना, दो ही डिजिट आ सकती है, ठीक है। वन को हम देखो, 0 0 ये कट गया, तो 128, वन मेरा इस साइड आ जाएगा, वन मेरा किस साइड आ जाएगा, इस साइड, 196, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 9 1 6, मतलब वन जो है मेरा इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, तो 1 2 9 1 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने वाले मेथड से आते हैं, अपना वाला मेथड तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कैसे, 114, 100 पर पहुंचना है, 100 वाली जगह पहुंच गए तो कितना पीछे गए, 14। अगर 14 पीछे गए तो 14 ही आगे, तो 128, 128 का 00 में मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, 128 00, और 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। कितना आ गया, 12916। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमें ना इस बात पर देखना है, देना है ध्यान देना है कि बेस क्या है। अगर बेस थोड़ा सा ध्यान से देख लिया, और कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कोई भी एक रैंडम नंबर, अब ले लेते हैं 100 में तो हो गया, 215 ले लेते हैं, ठीक है। 215 का स्क्वायर, अगर मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर लिया ना, तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने में बहुत जल्दी करोगे, बहुत जल्दी निकाल लिया करोगे। देखो 215 का स्क्वायर, फिर से वही वाली बात, 215 किसके पास है, 200 के पास है, तो 215, ठीक है, कितना, प्लस 15 माइनस 15, तो 215 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 230, ठीक है। 215 माइनस 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 200 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हमेशा 100 से ही होगा, बस इतनी सी बात याद रखना। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, 0 0 0 0, 230 का 2 से होगा, तो 2 3 6, 2 2 4, 4 6 0, और ये वाला जो 2 है वो इसमें जाके ऐड हो जाएगा, 225, तो कितना हो जाएगा, 4 6 2 2 5। टाइम लगा, नहीं लगा, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है। अपने वाले मेथड से और देखते हैं, 215 का स्क्वायर, तो 215 से मेरे को कहाँ पहुंचना है, 200 पर पहुंचना है, तो उसके लिए मैं कितना पीछे गया, माइनस 15, माइनस 15 गया, तो 15 ही आगे मैं चला जाऊं, तो 215 और 15 कितना हो जाएगा, 230। अब इस 230 का मल्टीप्लाई 200 से, तो
23 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 4 6 कितने जीरो आ जाएंगे, 0 0 0, और 15 का स्क्वायर 225 प्लस कर दिया तो 4 6 225। ये मेथड कहीं देखा ही नहीं होगा तुमने, ठीक है? ये मृदुल सर स्पेशल मेथड है, इस बात का ध्यान रखना, समझे? चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले, 421 ले लेते हैं, ठीक है? 420 नहीं लेंगे, 420 420, 420 आदमी है, हाँ, 421 का स्क्वायर, तो 421 किसके पास में है, 400 के पास में, ठीक है? तो 421 किसके पास में, 400, तो 400 प्लस 21 माइनस 21, तो 421 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 4 4 4 2 इनटू 400, डिवाइड मेरा किससे होगा, 100 से ही होगा, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 441 होता है, 21 का स्क्वायर 441, 0 0, ठीक है? तो 442 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये 441, तो 4 का मल्टीप्लाई मैं किस में कर दूंगा, 442 में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 1 7 6 8, 441, और 441 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 1 4 8 4 12, 6 7 7, 1 7 7 2 4 1, ठीक है? अब अपने मेथड पर आते हैं, ठीक है? किस तरह से, 421, 421 है तो पीछे कितना चलेंगे हम, 400 पर पहुंचना है, 400 पर पहुंचना है तो 21 माइनस हुए, 21 ही प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 442, 21। अब इस 4 का मल्टीप्लाई 442 में, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 1 7 6 8 0, और 21 का स्क्वायर कितना, 1 7 6 8 00, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, सिर्फ 441 इसमें ऐड कर देना है, आंसर हो जाएगा मेरा 1 7 7 2 4 1, ठीक है? कोई भी डाउट आना ही नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत ही सिंपल वे में मैंने करा दिया, इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर क्या लें, 196 ले लेते हैं, 196 ले लेते हैं, तो 196 अब अपने वाले मेथड से ही करते हैं सर। 196 अब हमें 200 पर पहुंचना है, अब वही है ना कि पास में क्या है, पास में है मेरा 200, तो 196 के पास में क्या है, 200, कितना पीछे गए, 196 से 4 कदम ही तो पीछे गए, ठीक है? 196 प्लस कितना किया, 4, तो यहाँ पर 196 से पीछे आ जाएंगे, 192, ठीक है? चलो तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो देखो 196 इसी तरह से कर देता हूं मैं, 196 से पास में कौन सा है ना, कौन सा पास में है, 200 बेस पास में है, तो 200, तो 4 कदम आगे बढ़े तो 4 कदम पीछे चले जाएंगे, 192, ठीक है? अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 192 में कर देंगे, बस 2 का मल्टीप्लाई 192 में करना है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, 3 8 4 डबल 0, और 4 4 जा 16 प्लस कर दिया, आंसर हो जाएगा मेरा 3 8 4 1 6। कोई टाइम लगा, एक और रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, चलो 155 ले लेते हैं, ठीक है? 155 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, 155 का स्क्वायर निकालना है, तो 155 पीछे कितना जाएंगे, 150, पास में 150, आगे कितना आएंगे, 160, ठीक है? प्लस यहाँ पे दोनों में कितना कितना, पांच पांच कदम, 5 कदम पीछे गए तो 5 कदम आगे आगे। अब इस 15 का 16 में कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है? 15 6 जा 90, और ये हो जाएगा 240 और 0 0, और 5 5 जा कितना हो गया, 25, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 24025 आंसर आ गया, ठीक है? अब तुम कहोगे सर वही उस वाले मेथड से भी बता दो, तो चलो उस वाले मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे हम इसे, 155 का ही तो स्क्वायर निकालना है, पास में क्या है, 150 है, तो 155 प्लस 5 माइनस 5, 155 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 155 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, डिवाइड 100 से ही करना है, बस इतनी बात याद रखना, डिवाइड 100 से ही करना है, ठीक है? 0 0 0 0, ठीक है? और 5 5 जो 25, 15 इंटू 16 कितना होता है मेरा यहाँ पर, 16 5 15 6 जो 90, 24025, ये आंसर आ गया।
लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। अगर नहीं, ये कैलकुलेशन अगर तुम मतलब मिनिमम अगर तुम 50 सम्स भी कर लेते हो डेली, अगर 50 सम्स सॉल्व ही करते हो, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो इम्प्रूव होती होती है, साथ में लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या ले, 254 का स्क्वायर। अब तुम लोग भी मेरे साथ में करो और देखो कितनी जल्दी सॉल्व करोगे। अब इसे 254, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4, तो 254 और 4 कितना हो जाएगा, 258 इंटू 250 डिवाइड बाई 100, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 4 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 129 में, तो 5 9 जा 45, 5 2 10, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6 4 5 1 6। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, टाइम तो लगता ही नहीं है फिर कैलकुलेशन में। ठीक है, 2 6 4 5 1 6। ठीक है, आई थिंक 3 डिजिट के स्क्वायर करना तुम लोग सीख गए होगे, और काफी अच्छी तरह से मैं समझाया है। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पर तुम करना चाहो तो 461 का स्क्वायर मैं और करा देता हूँ। 461 करें, 360, चलो 461 ही कर लेते हैं। एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, 461, 461, ठीक है, 461 वही प्लस 1 प्लस 11 माइनस 11, क्योंकि यहाँ 450 हो जाएगा, तो 461 प्लस 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 472 इंटू 450, थोड़ा सा स्पेस का कमी पड़ जाएगा, 450, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, मेरे को ना ये एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं 150 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये होता है 3/2, 250 डिवाइड बाय 100 करूंगा, 250 डिवाइड बाय 100 तो ये कितना होता है, 5/2। ठीक है, 0 से 0, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 350 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये कितना होता है, 7/2। तो इसी तरह से जब तुम 450/100 देख रहे हो ना कहीं से तुम्हें सीधे दिख जाना चाहिए ये 9/2 है, और 2 से इसे मैंने काट दिया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 9 का मैं करूंगा यहाँ पर 236 से, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 2 1, तो ये हो जाएगा 2 1 2 4, और ये 1 2 1 आगे ऐड हो जाएगा, तो 2 1 2 4, 1 2 1, ये हो जाएगा 2 1 2 5 2 1, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, आई थिंक दैट मच इज ऑल फॉर टुडे। तो 3 डिजिट के स्क्वायर निकालना आई थिंक तुम लोग सीख गए होगे। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो तुम लोगों ने कर ही रखा होगा। चलिए, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।